हे एवरीबॉडी, कैसे हो सभी आप लोग। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं भी हूँ यहाँ पे रामकृष्ण नगर में। और एक ऐसा मात्र जगह है जो कि यहाँ पे शेक बना कर देता है प्रोटीन का, जो जिम लोग यहाँ पे करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट आपका प्रोटीन आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो बबलू यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये देखो शेक पी रहा है गाइस, और यहाँ पे कुछ बनाए भी हैं, देख सकते हो ये प्रोटीन वगैरह है रखा हुआ। तो खुद का प्रोटीन लेके आइए और बिल्कुल शेक पी सकते हैं, ठीक है, कोई सुनिए। तो ये एक ऐसा जगह है हाई डोज, ठीक है, जो कि आपको ये शेक बनाकर दे देते हैं, बस कुछ हो थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं बस गाइस। तो आज की वीडियो गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे मिक्स हो चुका है और ये छह बनाना इसमें ऑलरेडी फिल है, देख सकते हो इस केन में। और ये देख सकते हो क्या जा रहा है बबलू, इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, राइट। और ये रहा मिक्स हुआ और इसमें मिल्क भी चला गया है। और ये है सोनू, ठीक है, इसका ये शॉप कैफे है हाई डोज कैफे। आफ्टर बनाना शेक आपको दिखाएंगे बॉडी क्या पंप होता है। ये देखो शेक बनना स्टार्ट हो गया गाइस, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे शेक बनाना स्टार्ट हो गया है। और ये है जेंसी का प्रोटीन, जैसे कि आपको मैंने बताया है पहले। और ये रहा एक कुप प्रोटीन, राइट, 1.5 स्पून पड़ेगा इसमें। और इसमें देख सकते हो छः बनाना ऑलरेडी इसमें डाल चुका है। और ये एक कार्टीन है, एल ग्लूटामाइन है, राइट, और एल ग्लूटामाइन मोनोहाइड्रेट, और ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जाएगा शेक में। आप देख सकते हो इसमें मिक्स करके इसे शेक बनाया जाएगा। उसके बाद हम अपना बॉडी दिखाएंगे खोल के, देखिए जैसे कि इनका शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं इनका शेक बनकर तैयार हो चुका है और इसे ग्लास में सर्व किया जाएगा। हो गया कंप्लीट। तो गाइस ये हो गया है कंप्लीट, अब देख सकते हो शेक ये जा रहा है, ये रहा कम मात्रा में, राइट। और गाइस अब ये शेक को ड्रिंक करेंगे, चलो गाली देना है। नहीं गाली नहीं देना है, तुम पियो ना पे। तो गाइस ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी इसका कैसा टेस्ट है। अगर बॉडी अच्छा पंप लाना है और मसल गेन करना है तो आफ्टर रिकवरी रोज शेक लीजिए और मेरे तरह।